पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने लोगों के बीच अपने मैनिफेस्टो को पब्लिश करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कई मायनों में काफी खास है। अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस का लोक लुभावन घोषणा पत्र 13 पॉइंट के साथ आम लोगों के बीच पहुंच चुका है। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। केबल की मोनोपोली तोड़ना, केबल के रेट को 400 से 200 रुपए लाएंगे, 1100 रुपए महीना और 8 सिलेंडर साल में महिलाओं को फ्री में। सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी। बुजुर्गों की पेंशन 3100 रुपए की जाएगी, हर कच्चे मकान को पक्का करेंगे, सरकारी स्कूलों में फ्री में शिक्षा देंगे और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा करेंगे, फ्री हेल्थ सर्विस देंगे। सरकार तिलहन, मक्का और दाल की पूरी फसल खरीदेगी। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 20,000 रुपए और कंप्यूटर देंगे। मनरेगा के तहत 150 दिनों की मजदूरी देंगे और दैनिक मजदूरी 350 रुपए से कम नहीं होने देंगे। स्टार्टअप को 2 लाख से 12 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देंगे। घरेलू और लघु उद्योग के लिए 2 से 12 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन होगा। इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। सरकार आपके द्वार, सरकारी कागजातों की डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। चन्नी सरकार आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, प्रभारी हरीश चौधरी और पवन खेड़ा ने मिलकर घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी ने कहा, पहले हस्ताक्षर से 1 लाख नौकरियां दूंगा, इसके साथ ही 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। हर कर्मचारी को पक्का किया जाएगा।